बात ये है कि एक होता ना बिंज वॉचिंग, सो ये उसका फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, फटाफट एक थ्रिल 9 मिनट 10 मिनट में आप कैसे एक बता सकते हो एक एक एपिसोड में. सो इट्स ब्रिलियंटली डन एंड इट्स डन बाय नितेश. सो एंड हम सब हैं यहाँ पे आपके सामने, प्रकाश है और आप ली सॉरी तुषार तुषार सॉरी तुषार. हाँ, तो एक अच्छे कुछ करने की कोशिश की ऐसे कि यू नो वी आर कॉप्स और कॉप्स की लाइफ एक्चुअली उनकी साइकी क्या होती है, बेसिकली गुड भी है बैड भी है, तो कोई अच्छा है कोई बुरा है और एक ही इंसान में अच्छा भी और बुरा भी है. तो आई एम श्योर पीपल लव दिस. हाँ सॉरी, देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वेब में भी आजकल ऐसा हो गया है ना कि वी शूट लाइक फिल्म्स, तो मोर लेस तो यू नो इट्स द सेम. बट हाँ, एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें रियल लोकेशन में शूट करने का मौका मिलता है और कैरेक्टर पे और काम करने का मौका मिलता है. तो यस, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस. देखिए क्या है कि सच्ची बोलूँगा, मैं कोई जेल वेल में नहीं गया. मैंने किसी मतलब मैं जितने लोगों को जानता था उनके थोड़े मैनरिज्म्स निकाले मैंने. बहुत सारे इंस्पेक्टर दोस्त हैं, उनके मैनरिज्म्स निकाले और कुछ कुछ इंटरव्यूज़ देखे ऑनलाइन, जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का पता चला. कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और ऐसे जगह पे पॉजेज लेते हैं ना कि हमें ऐसा लगेगा कि अभी पता नहीं क्या बोल देगा ये आदमी, बट वो नहीं बोलते. यू नो वो सामने वाले की जो रिएक्शन है वो गेज करते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं. तो दिस इज़ ऑल लिटिल, थोड़े बहुत न्यूएंसेज हैं, हमने काम किया उसके ऊपर. तो ये आपको देखने मिलेगा. अब आप देखेंगे तो आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट एंड यू विल गाइड्स विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, यू नो कॉप की लाइफ में केसेस होते हैं, कोई उनके लिए नॉर्मल बात है. एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट केस, बट एक ऐसा केस जिसमें खुद उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से यू नो उनकी लाइफ पूरी उबड़ खाबड़ हो जाती है. तो उसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं नहीं सॉल्व करते हैं, या यू नो क्या करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट. दैट्स द मिस्ट्री, दैट्स द थ्रिल जो आपको देखने मिलेगा एरोस नाउ पे. किरदार ये है कि वी बोथ प्ले कॉप्स, ही प्लेज क्राइम ब्रांच कॉप एंड आई प्ले रेगुलर सिटी पुलिस कॉप. एंड कितने शेड्स हैं, क्या है और दोनों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हो जाती है एक केस के लिए, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट. ऑब्वियसली यहाँ पे हितेन के लिए हूँ एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड. और द इन्वेस्टिगेशन से मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा सस्पेंस थ्रिलर होगा ये, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं एंड बाहर आके मैं आपको बताता हूँ कि कैसा लगा. जी मैं जैसे कि मैंने बोला, हितेन की एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये देखने के लिए कि ये कैसा वेब सीरीज़ है, क्योंकि ट्रेलर से जो भी अब तक मैंने देखा है उससे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है एंड एक अच्छा थ्रिलर लग रहा है. मैं इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल होने वाला है और मैं इसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी हितेन जी को. हमारे टीवी के बहुत स्पेशल सदस्य हैं वो और वेब में कदम रख रहे हैं पहली बार, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. और साथ ही साथ हमारी प्यारी ससुराल सिमर का की जो विलन थी, जिन्होंने मुझे बहुत सताया है, हमारी खुशी जो इतना प्रोड्यूसर बन गई है और उनके पति ने ये डायरेक्ट किया है नितेश ने, एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर एज अ डायरेक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन पर, एंड आई थिंक दिल मेक अस प्राउड. बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी दीपिका दीदी फाइनली जीत गई. आई रिमेम्बर जब वो घर से घर में जा रही थी, मैंने उन्हें एक ही चीज़ कही थी कि आप ट्रॉफी के साथ ही वापस आ रही हो, मैं और कुछ नहीं जानती, मेक मी प्राउड. एंड शी एक्चुअली डिड मेक मी प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. कल से हाँ खतरों के खिलाड़ी आ रहा है आपकी टीवी स्क्रीन्स पर. प्लीज़ बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत सारी चोटें खाई हैं, वो भी आपको पता चलेंगी. सो तो द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड. तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है क्योंकि आई थिंक पहला शो है वेब पे जो रिलीज हो रहा है. आई थिंक पहले किया है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये पहले किया था और पहले रिलीज हो रहा है, तो वेरी एक्साइटेड, बोथ ऑफ अस वेरी एक्साइटेड. देखिए क्या है कि एक रीज़न ये है कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रॉबेबली हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है खास, मतलब पीपल विल वॉच इट, जो ऑन द गो वॉच कर सकते हैं. डिजिटल मतलब क्या है, आप गाड़ी में बैठे आपने फ़ोन पे स्टार्ट कर दिया, हेडफोन लगाया, ट्रेन में पता है सफ़र करते, दोनों टाइप का सफ़र,
तो ये लगाएंगे तो वो सफर थोड़ा कम होता है। जैसे कि साल 2018 की जितनी वेब सीरीज वाली जो फिल्में थी या कम बजट वाली फिल्में काफी हिट हुई, वहीं अगर हाई बजट वाली फिल्में नहीं हिट हो पाई, तो क्या कुछ कारण से बता रहे कुछ नहीं बताने वाली नहीं बताओ अंदर क्या हो रहा है सिर्फ इतना बताऊंगी कि बहुत मजा आया देखने में। यू विल लव नितिन जी बिकॉज़ ऑब्वियसली वी ऑल लव हिम, इट्स वेरी ऑब्वियस। बचपन के हम लोग क्या बोलते हैं हमारे बचपन के फेवरेट है, ये सुनने में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमारा बचपन मतलब उनका कितना हो गया, मतलब सोच सकते हैं आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में जहाँ हम डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वहाँ पे एनीथिंग लाइक दिस विच हैज़ गुड एक्टर्स, गुड स्टोरी एंड गुड कंटेंट, अगर आप दे रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग। एंड नितिन भाई का डेब्यू है, सो इज अ ब्रिलियंट एक्टर, वी मतलब बोलना नहीं चाहिए, हालांकि ही लुक्स प्रॉब्ली हमसे भी जवान लगते हैं, बट वी लिटरली ग्रोन अप सीइंग हिम, यू नो उनके शोज देख के हम बड़े हुए हैं। एंड डिजिटल में जब कोई ऐसा एक्टर आता है डेफिनेटली कुछ अलग देखने को मिलता है, सो रियली एक्साइटेड। बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो ऐड दैट डिजिटल इज द नेक्स्ट बिग थिंग, लाइक अगर आप देखें तो डिजिटल ही चल रहा है एंड डेब्यू कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मेरा दोस्त भी हमारा जो दोस्त है आर्यमन सेठ, वो भी डेब्यू कर रहा है इसके साथ एंड वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑल्सो नितिन भाई एंड वी आर हियर टू आई एम श्योर इट्स गुड बिकॉज आर्यमन जब इसके बारे में शूट कर रहा था, रिमेंबर लिसनिंग अबाउट कपल ऑफ सीन्स आउट ऑफ द सीरीज एंड जेन्युइनली अच्छा साउंड कर रहा था, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या। और ट्रेलर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी थ्रिलिंग, इट्स वेरी थ्रिलिंग एंड यू वांट टू नो कि अब क्या होगा, सो इट्स so really looking forward to it. So I've just shot for my first film, अपनी डेब्यू फिल्म शूट करके आया हूँ, फिल्म का नाम है आदत, जिसमें मैं मेन विलन हूँ, करण सिंह ग्रोवर, बिपाशा बासु एंड सोनाली रॉत, नताशा सूरी। फिल्म है ये, हम पाँच हैं इसमें, थ्रिलर फिल्म है, मीका बाजी ने प्रोड्यूस की है एंड मार्च एंड और अप्रैल टाइप से फिल्म रिलीज होगी।